दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन जो चार धर्म गुरु शंकराचार्य हैं, कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं और उसमें से एक शंकराचार्य जी ने, तो चूंकि पत्रकारों ने यह आरोप लगाया था कि 5 लाख रुपए का कुछ लेन देन हुआ जिसके कारण नहीं जा रहे, तो पत्रकारों से वह सवाल करते हुए नजर आए, लेकिन कोई भी पत्रकार इस पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उन्होंने मांगा कि 5 लाख रुपए मैंने कहां से लिए, कौन दिया, इसका आप प्रमाण है जो आप ऐसी अनर्गल बातें छापते हो। इस पर कोई भी पत्रकार कुछ नहीं बोला। चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। क्या लगता है कि जो शंकराचार्य ने इस तरह की जो सवाल किए हैं, क्या वास्तव में ऐसे सवाल आम लोगों को भी पत्रकार से करना चाहिए? तो कमेंट करके अपनी जवाब प्रतिक्रिया के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद। जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है, आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर, करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप, और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपका आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापे। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते, आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा, उसका उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है, तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपकी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर एक